माता श्री के चरणों में उनके बेटे भरत का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बेटा भरत, आ गया तू जी। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है झुक झुक जियो लाल ले, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ मेरे लाल। हे माता, आज मुझे मेरी अयोध्या ये सोनी दिखाई दे रही है, मुझे मेरे भाई राम लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहे, ना पिताश्री नजर आ रहे हैं, आज सूनी सूनी दिखाई दे रही है अयोध्या, आखिर क्या बात हो गई माँ? बात ये है कि जो तेरे बड़े भ्राता हैं राम, हाँ, वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं, और उन्हीं के साथ में लक्ष्मण भी और बेटी सीता भी। लेकिन वो 14 साल के वनवास पर क्यों चले गए? मैंने भेजे हैं। तुमने? हाँ। तुमने मेरे भाई राम को वनवास पर भेजा है? हाँ। हे माँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा लाड़ प्यार राम का किया करती थी, फिर तुमने मेरे भाई राम को वनवास पर क्यों भेज दिया है? उसका भी कारण है। अभी तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? हाँ, पिताश्री भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे, और अब दिखाई भी नहीं देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि राम के वियोग में तड़प तड़प कर तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहा? पिता इस दुनिया में नहीं है? नहीं रहे। हे माँ, आखिर रामचंद्र जी को वनवास पर भेजने की क्या जरूरत थी? तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया माता श्री? तुम इतने सारे सवाल मत करो बेटा भरत, और मेरी बात गौर से सुनो कि अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है, अब तुम्हें अयोध्या नगरी का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब राज सिंहासन पर मेरा बेटा भरत बैठेगा। हे माँ, ये राज सिंहासन क्या मेरे पिता से, मेरे बड़े भ्राता से बढ़कर के है मेरे लिए? नहीं, तुमने मेरे प्राणों से प्यारे भाई रामचंद्र को वनवास के लिए भेज दिया, और फिर तुम मुझे बेटा कह रही हो, तुम मां नहीं हो सकती। अरे तुम नहीं जानते, ना कोई किसी का भाई है ना कोई किसी का पिता है। बेटा भरत, मेरी बात मान, और राज सिंहासन की गद्दी पर अब तू बैठेगा, तू अयोध्या का राजा बनेगा। नहीं, मैं उस राम को राजा नहीं देखना चाहती थी, मैं अपने बेटे भरत को राजा देखना चाहती हूँ। हे माँ, इन बातों को कर समय बर्बाद मत करो बेटा, बैठ, तेरे लिए भोजन बनाऊंगी, तेरे अच्छे से लाड़ लड़ाऊंगी, कितने दिनों के बाद आया है, मेरी बात सुन ले जरा। हे रे आ बेटा, तेरे लाड़ी लड़ाऊ, जी भर कर लो प्यार तने, हो चली जा, जीते जी दिया मार तने, जीते जी दिया मार तने। राजपाट का मालिक बन क्यों बना फिरे से सरभांगी,
दिया बेड़ा जंगी, डुबो दिया बेड़ा जंगी। ऐसे क्यों मांगे वरदान तने,
भोगिए सब अधिकार बने, भोगिए सब अधिकार बने।